हेलो दोस्तों, आज हम आंवले से बहुत ही टेस्टी रेसिपी लेके आए। चटनी बना रहे हैं जो कमर दर्द, घुटना, खून की कमी, बाल के लिए, स्किन के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद होती है। और इसकी चटनी आप साल भर तक इसको स्टोर करके रख सकते हैं, बहुत जल्दी बन जाते हैं ये। तो आपको पसंद जरूर आएगा, लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। अब मैंने एक कढ़ाई ले लिया है, इसमें 2 ग्लास के लगभग हम पानी डाल देंगे हमने। और इसमें इस तरह से जाली जो आते हैं घर पर रहते, सभी घर पर रहते हैं, तो इन्हें हम रख देंगे और सभी आंवले को उसी के ऊपर हम रख देंगे। 5 मिनट के लिए सिर्फ हमें इन्हें से रख देना है सिर्फ। और ये काफ़ी फ़ायदेमंद है, इसे बच्चे काफ़ी पसंद से खाएंगे, क्योंकि ऐसे खाना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है बच्चों के लिए। तो इस तरह से बना के देंगे तो बच्चे बहुत आराम से इन्हें खा लेंगे। तो इन्हें हम 5 मिनट के लिए इस तरह ढक देंगे। पाँच मिनट बाद देखिए इस तरह से हो जाते हैं ये, और थोड़ा सा मुलायम हो जाते हैं। तो इन्हें अब निकाल लेते हैं। इन्हें निकाल के हम ठंडा कर लेंगे थोड़ा सा। ये देखिए मैंने ठंडे भी हो गए हैं ये। अब इस तरह से इन्हें ग्रेट करेंगे। तो आप पतले से या मोटे से किसी भी तरह से आप ग्रेट इन्हें कर लीजिए। तो हम पतले वाले से कर रहे हैं, ये थोड़ा सा आसान हो जाता है, थोड़ा सा आराम से इसे कर सकते हैं। कच्चा वाला थोड़ा जाता है तो उससे थोड़ा सा मुश्किल से ये निकलते हैं। तो इस तरह से थोड़ा सा करेंगे तो बहुत आसानी से आपका ये निकल जाएंगे, ग्रेट हो जाते हैं आराम से। या छोटे छोटे टुकड़े करके ग्राइंड भी कर सकते हैं, वो भी आराम से हो जाते हैं। देखिए इस तरह से हम कर लिया है, और इसी तरह सभी को हम कर लेंगे। देखिए जो ये बीज हैं इनका भी काफ़ी अच्छा यूज़ है, ये बालों के लिए काफ़ी अच्छा है। इन्हें हम इकट्ठा करते जा रहे हैं। देखिए मैंने सभी को कर लिया, इस तरह से ग्रेट हमने कर लिया है। और बीज भी देखिए कितने निकल गए हैं। अब इसका भी काफ़ी अच्छा यूज है, तो इनको हम बाद में बनाएंगे इनका। तो पहले हम एक कढ़ाई ले लेते हैं। अब इसमें हम 2 चम्मच के लगभग हम घी डाल देते हैं। दो चम्मच देखिए घी डाल दिया हमने, घी थोड़ा गर्म हो जाए फिर 1 चम्मच हम इसमें जीरा डाल देते हैं, 1 चम्मच सौंफ। तो बहुत टेस्टी, बहुत चटपटी ये चटनी हम बना रहे हैं। और 2 छोटी इलायची हम डाल देंगे, इन्हें अच्छे से तड़क जाए अच्छे से ये। फिर हम ये आंवले को हम डाल देंगे। नीचे से मिक्स कर लेंगे हम, 1 मिनट तक इन्हें अच्छे से भून लेना है। देखिए ये काफी अच्छे से देखिए भून जा रहे हैं ये। तो एक बार जरूर ट्राई करें, बहुत पसंद आने वाला। और कमेंट पर जरूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा। और इसे अब महीनों भर स्टोर करके रख सकते हैं, बच्चे आराम से खाएंगे, तो काफ़ी हेल्दी भी है। तो इस तरह से अब एक बार बनाइए जरूर। ये देखिए काफ़ी अच्छे से देखिए मिक्स कर लिया हमने। अब इसमें हम गुड़ डाल देंगे। अब ये मैंने 1 किलो आंवला लिया था, तो आधा किलो हम इसमें गुड़ डाल दे रहे हैं। मैंने तोड़ तोड़ के इस तरह से छोटे छोटे पीसों में कर लिया था, इन्हें हम डाल देते हैं। अब 2 चम्मच हम इसमें चीनी डाल देते हैं, नीचे से मिक्स कर लेंगे। अगर चीनी नहीं डालना चाहते चीनी मत डालिए, कोई फर्क नहीं पड़ता इसमें। नीचे से मिक्स कर लेंगे हम। ये आँखों के लिए, बालों के लिए ये काफ़ी फ़ायदेमंद है। खून की कमी जो रहती है वो भी अच्छा रहता है इसके लिए। तो ये काफ़ी फ़ायदेमंद, सभी चीज़ के लिए बहुत अच्छे होते हैं ये। इन्हें अच्छे देखिए मिक्स कर लिया है मैंने, ये गुड़ थोड़ा पिघल रहे हैं, इसे पानी बिल्कुल नहीं डालना है। इन्हें अच्छे से देखिए इस तरह से पिघलते जा रहे हैं, मिलते जा रहे हैं ये। देखिए
ये काफ़ी अच्छे से देखिए मिक्स हो चुके हैं ये। अब इसमें कुछ मसाले डाल देते हैं, इसे काफ़ी चटपटा और तीखा हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है खाने में। तो एक चम्मच इसमें हम धनिया पाउडर डाल देंगे, थोड़ा सा हम चिली फ्लेक्स डाल देते हैं, इसके जगह आप पाउडर भी डाल सकती हैं। अब इसमें आधा छोटा चम्मच हम कश्मीरी मिर्च भी डाल देते हैं, इससे कलर काफ़ी अच्छा रहता है। और एक चम्मच हम चाट मसाला, थोड़ा सा हम काला नमक डाल देते हैं और थोड़ा सा हम सफ़ेद नमक, इन्हें अच्छे से मिक्स कर लेंगे हम। ये सभी को बहुत पसंद आते हैं, बच्चे भी काफ़ी पसंद से खा लेंगे, तो कोई टेंशन नहीं रहता है कि आंवला कैसे खिलाएं बच्चों को। तो इस तरह चटनी बना के उन्हें खिलाइए, बहुत पसंद से ये खा लेंगे। अब एक चम्मच हम इसमें डाल देते हैं सॉल्ट पाउडर, जो अदरक होता है और का जो सूखा हुआ पाउडर होता है वो होता है सॉल्ट पाउडर, वो हम डाल देते हैं, नीचे से मिक्स कर लेंगे हम। ये काफ़ी अच्छे से देखिए हो चुके हैं, इसके पानी भी जितने से सोख लिया है सब खत्म हो चुका है, इसमें से पानी बिल्कुल नहीं रहना चाहिए इसमें। और इस तरह से देखिए काफ़ी अच्छे से ये रेडी हो चुके हैं आपके ये आंवले की चटनी, देखिए बिल्कुल भी पानी नहीं है इसमें, तो ये बिल्कुल रेडी है ये। आप इसे ठंडा करके आप इसे जार में बंद करके रख सकते हैं, साल भर आराम से चल जाएंगे ये। अब इन्हें हम ठंडा कर लेते हैं, गैस ऑफ कर दिया हमने। एक हमने लोहे कढ़ाई लिया है, अब उसमें जो मैंने आंवले स्टीम किया था मैंने वो पानी है, और उसमें ये बीज हम डाल देते हैं, इन्हें हम बॉईल कर लेंगे अच्छे से। इन्हें थोड़ा ढक देते हैं, ये खोल के देखते हैं एक बार, ये देखिए बिना बॉईल किए ये पानी जितने कितने काले हो गए हैं ये। अब पहले इन्हें बॉईल कर लेते हैं फिर हम देखते हैं इन्हें, ये देखिए काफ़ी अच्छे से बॉईल हो चुके हैं ये, और इसके पानी कितने काले हो गए हैं ये। और इसी कढ़ाई में थोड़ा देर इसे हम रख देंगे, ये देखिए कितने हैं, और इसे आप शोर करके रख सकती हैं, इसे मेहंदी में इसे मिक्स करके लगाइए बालों के लिए, बाल अच्छे से काले हो जाते हैं और काफ़ी फ़ायदेमंद होता है तो बालों के लिए, तो इसे ज़रूर यूज़ करिएगा, आपको बहुत पसंद आएगा। और ये देखिए ठंडे हो चुके हैं, इन्हें निकाल लेते हैं आंवले की चटनी थे, ये देखिए कितने अच्छे लग रहे हैं देखने में, तो एक बार ज़रूर ट्राई करिए, बहुत पसंद आएगा। कमेंट पर जरूर बताइएगा आपको ये कैसा लगा, और पसंद आए तो प्लीज़ लाइक का बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, और जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन जरूर दबाइएगा, जो भी वीडियो लाए सबसे पहले आप तक पहुँचेंगे और वीडियो